Okay, बच्चों जो थर्ड डिटेल क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है, वो है कि थोड़ा सा ट्रिकी है तो आपको समरी से भी इसकी गाइडेंस मिल जाएगी कि किस इरा में हमने कौन से इकोनॉमिक डिवेलपमेंट को कवर किया है और उसके अलावा आपने इसको समझ के पढ़ना है ये ना कीजिएगा कि कंफ्यूज हो जाएं कि को किसी 1947 का 1980 में लिख दें 1980 की डेवलपमेंट को 1947 में तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल इसीलिए जो पाकिस्तान स्टडीज है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है कि आपको चीजें याद रखनी पड़ती हैं तो कोई बात नहीं आपने टेंशन नहीं लेनी है आप लेक्चर सुनेंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा सो so, हम लोगों ने इसके अंदर कवर करना है द फिफ्थ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि 1980 से लेकर 1990 तक खत्म होता है बच्चों एक और मैं छोटी सी चीज बताती जाऊं क्वेश्चन को दोबारा से हम पढ़ते हैं राइट अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 1980 अब इसके अंदर आपके जिन एग्जामिनर हैं उन्होंने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दिए आपके एग्जामिनर ने यह नहीं लिखा कि 1980 से लेकर 1988 तक का या 1990 तक का तो यह ओपन एंडेड है तो अब आपने क्या करना है आपने इसका स्मार्टली आंसर देना है तो आपने क्या करना है कि पहला इरा तो आपने एज इट इज कवर करना है जो आपका है, जो आपका है कि 1980 से 1990 तक का कवर होता है ठीक है उसको आपने सबसे पहले हेडिंग लिखनी है ये वाली और इसको बुलेट्स में कवर करना है ये वाला आपको कहाँ पे मिलेगा टॉपिक बुक का पेज नंबर फिफ्टी और पेज नंबर सिक्सटी पे ये वाला आपका इकोनॉमिक पीरियड रिफाइन uh, हुआ है बताया गया है उसके अलावा डेफिनेटली आपके पास एक सबसे बड़ी सोर्स मेरा लेक्चर है आप सुने हो जाके और आपको सब समझ आ जाएगा कि हमने फिफ्थ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह पाकिस्तान ने प्रोग्रेस किया ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कौन कौन सी थी उसके अलावा बच्चों जब आप ये कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि आपके नाइनटीन से लेके कहाँ तक तो उसके लिए मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताती वो ये है कि आप थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दें बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट टाइम्स का, फॉर एग्जाम्पल उसके बाद का, का, जो, जो उसके बाद 2010 से 20 तक की जो जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस छोटी छोटी हैं इतनी ज्यादा बहुत परेशान नहीं होना आप लोगों ने उसके अंदर आपने बुलेट्स में इस एरिया को कवर करके लिख देना है उससे क्या फायदा होगा बच्चों कि कुछ बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ वही लिखेंगे 1980 1990. लेकिन आप जो हैं वो एज ले जाएंगे और टीचर कहेगा इस बच्चे ने एक्स्ट्रा मेहनत की है क्योंकि क्वेश्चन ओपन एंडेड था उसके अंदर आपको एडवांटेज हो जाएगा और जिस बच्चे ने सिर्फ एक पीरियड का लिखा है उसके बनस्बत आपके नंबर दो तीन तो ज्यादा ही जाएंगे तो बच्चों आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्वेश्चंस किस तरह हल करने हैं मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन आंसर्स इस पूरे चैप्टर के जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सारी चीज़ें जो हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन आंसर सेशन में हम वो डिस्कस करेंगे सारी एक्सरसाइज एक दफ़ा दोबारा सब गो थ्रू भी कर लेंगे एंड आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी नहीं आई तो आई एम ऑलवेज हेयर यू कैन आस्क मी इन द लाइव सेशंस और याद रखिएगा मेरे लेक्चर्स अच्छी तरह सुनिएगा बैठ के द बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन रिवाइंड एंड लिसन टू इट अगेन तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर नंबर थ्री का पार्ट वन अच्छे से समझ आ गया होगा